हेलो एवरीवन, दिस इज़ आसिया एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन. ओके, टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल. ओके, एक्सरसाइज 2.2, सम एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 2.2. ओके, एंड द टॉपिक इज़ दैट कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ओके, जो कि ऑलरेडी आपने आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इस टाइप की. ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती है, ठीक, और इसके कोफिशिएंट एंड ज़ीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कोफिशिएंट एंड ज़ीरोस के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा, इसके अगर दो ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन में ए होता है. ओके, जहाँ पे जो माइनस बी जो होता है वो कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है, ए जो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जो सी होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, ए जो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, जो कि कोफिशिएंट और ज़ीरोस के बीच का रिलेशनशिप है. ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स हमको देखने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, जो बुक का एग्जांपल है. आपके पास एक कोई, आपको ये है, आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ठीक है, आपको बताना फाइंड द ज़ीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कोफिशिएंट. आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ज़ीरोज फाइंड करना है और आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है ज़ीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में. ठीक, जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती है तो उसका हम ज़ीरोज दो ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं. एक तो हम स्प्लिटिंग करके करते हैं, और अगर कभी जब हमको ज़ीरोज नहीं मिलता है तो हम शेजारा फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जो हम ज़ीरोज फाइंड आउट करेंगे स्प्लिटिंग करके करेंगे, क्योंकि सिंपली क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है प्लस 10 है, ठीक है, ये जो स्प्लिट होगा वो इतने टर्म में होगा, 2x प्लस 5x एंड, ठीक है, तो यहाँ से जो हमको ज़ीरोज़ इसके मिलेंगे, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा x प्लस 2 एंड यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, यहाँ से आपको x प्लस 2 कॉमन. ठीक है, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा x प्लस 5 और यहाँ से x प्लस 2, इसके दो क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे. एक तो आपको इसका ज़ीरोज़ मिल गया यहाँ से, क्लियर, यहाँ से आपको इसका ज़ीरोज़ मिल गया. अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ एंड कोफिशियंट्स के बीच का ज़ीरोज़. इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 जो है, इसके दो ज़ीरोज़ मिल गए हैं. ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ एंड कोफिशियंट्स के बीच में. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होती है उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ ज़ीरोज यही है ना. बट यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज क्या है, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज है माइनस 2 है, और क्या दूसरा क्या है, माइनस 5 है. सम ऑफ ज़ीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है, फॉर्मूला यही तो होता है ना, माइनस बी बाई ए. सम ऑफ ज़ीरोज का फॉर्मूला जो आप जानते हो, माइनस बी बाई ए ही होता है. ठीक है, तो यहाँ से माइनस बी बाई, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से माइनस बी की वैल्यूज, बी क्या है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, तो ऑब्वियसली माइनस 7 होगा. ठीक है, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है. तो अब आप वेरीफाई करिए इसको, जब आप प्लस करते हो तो यहाँ पे माइनस 7 आता है और यहाँ पे भी माइनस 7 आता है, एंड बोथ आर इक्वल. ठीक, यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज के लिए तो वेरीफाई हो गया, बट अब हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी करना है. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा. ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इट मीन्स कि यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 5, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है. क्या होता है, सी बाई ए होता है. यहाँ से आप देख सकते हो जो सी की वैल्यूज़ है यहाँ पे, यहाँ से क्या है, 10 है. ओके,
और यहाँ पे ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 - 2 - 5, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, +10, और यहाँ से भी आपको 10, एंड बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट यही रिलेशनशिप है, और जो कि रिलेशनशिप एग्जैक्ट इसको क्या करिए, वेरीफाई करिए, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जैसे कि ये कोफिशियंट्स के टर्म का होता है, वो जीरोज होते हैं, तो ये जीरोज का जो सम करने पे -7 आ रहा है, कोफिशियंट्स के टर्म के जो फॉर्मूले के फॉर्म में हम राइट कर रहे हैं उससे भी हमको -7 मिल रहा है, तो यही रिलेशनशिप इसको क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, जो कि करेक्ट है। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप करते हो, कभी कभी आप इस टाइप के भी क्वेश्चंस करते हो। जैसे क्या होता है ना, क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस गिवन होगा क्या, कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, क्या गिवन होगा, सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, और प्रोडक्ट ऑफ कुछ भी, वट एवर कुछ भी गिवन हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपको गिवन होंगी, सम ऑफ जीरोस भी गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन होगा, और आपको क्या बनाना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना होगा। अभी तो आपके क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन होती थी और उससे आप जीरोस फाइंड आउट करके और वहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप करते थे, बट यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें हमें सम ऑफ जीरोस भी कुछ, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकता है, 2 दे सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी 5 दिया हो, ये दो चीज़ें गिवन है, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन होंगी, और इन दोनों चीज़ों से आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पे लेती हूँ, जो कि बुक का ही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये है कि आपका जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज जो गिवन है वो क्या गिवन है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का -3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज गिवन है वो क्या है, टू गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में सम ऑफ जीरोज गिवन है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 2, आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, ठीक है, क्या फाइंड करना, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन, हम इसका इस तरह करेंगे, जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है वो इस टाइप का होता है, x² + bx + c के टर्म का, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। नाउ लेट्स यहाँ से हम ये चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हमको जीरोज इसके गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ x² + bx + c, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अल्फा एंड बीटा क्या जीरोज गिवन है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 है, अल्फा इंटू बीटा है 2, क्लियर, ये दो चीज़ें गिवन है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट डू मीन बाय सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -v/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही होता है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए और ये इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें क्रॉस मल्टी, जैसे फॉर एग्जांपल -3 = -v/a, यही तो है ना, अगर आप इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो यहाँ से जो b की वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3a मिलेगी, ठीक है। इससे जो ये दूसरा वाला इक्वेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, तो यहाँ से आपको जो c की वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से जो आपको c की वैल्यूज मिलेगी वो 2a मिलेगी, इट मीन्स b की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 3a मिली है, और c की जो वैल्यूज मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2a मिल रही है, ठीक। इफ जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करती हूँ, इफ अगर हम फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल b = 3a मिला हुआ है और c = 2a, यहाँ से हमको दो कंडीशंस यहाँ से मिल गई हैं। अगर मैं कंडीशन यहाँ अप्लाई करूँ, जीरो पुटअप करने से, अगर a की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो b की वैल्यू भी जीरो मिल जाएगी एंड c की वैल्यू भी जीरो मिल जाएगी, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटअप करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी नहीं, तो हम जीरो नहीं ले सकते हैं। हम इफ़
जो पुट अप लेट करेंगे, ए की वैल्यू जो पुट करेंगे, इफ़ ए की वैल्यू अगर हम 1 लेट करते हैं तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। मिलेगी अगर बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 लेट किया आपने, बी की वैल्यू 3 मिली और सी की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल होगा हमारा पी एक्स इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का, यही था ना। तो ए की वैल्यू आपने 1 पुट की तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको क्या मिली थी यहाँ से 3x, एंड सी की वैल्यू क्या मिली थी 2 मिली थी, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। इफ़ हम ए की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ से ए की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, तो यहाँ से हमको जो बी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 × 2, इट मीन्स हमको बी की वैल्यू 6 मिल रही है। यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 2, इट मीन्स हमको क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, यही मिलेगी ना। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट जो हमारा पॉलिनोमियल जो यहाँ से बनने वाला है वो ये है, ये पॉलिनोमियल यही था एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ से जो हमको ए की जो वैल्यूज़ मिल रही है 2x2, बी की जो वैल्यू मिल रही थी 6x, एंड सी की वैल्यू मिल रही थी 4। हम ये चीज़ देख रहे हैं, आप एक बार इस पॉलिनोमियल को देखिए, इस वाले पॉलिनोमियल को, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को देखिए और इस पॉलिनोमियल को आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ए की वैल्यू 1, 2, आगे भी हम ए की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बी की और सी की वैल्यूज़ मिलेगी। बट ये चीज़ हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे हमने ए की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल थी, लेकिन ए की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल मिली 2x² + 6x + 4, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे आगे जितनी भी पॉलिनोमियल होगी ना वो प्रीवियस पॉलिनोमियल की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो सो वी कैन से दैट, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमको पॉलिनोमियल मिलेगी ना वो इस फॉर्म की मिलेगी px = k, एंड यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 3x + 2। इट मीन्स कि जो भी पॉलिनोमियल मिलेगी वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे ये वाली पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के 2 times मल्टीपल है, आगे आने वाली पॉलिनोमियल भी इस पॉलिनोमियल के क्या होगी, मल्टीपल होगी। तो के जहाँ क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल मिलेगी, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल जो होगी इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ओके, जैसे यहाँ पे 2x² मिला, 6x मिला प्लस 4 मिला, अगर हम एक ही वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, ठीक है, एक ही वैल्यू हमने 3 लेट कर ली, तो एक वैल्यू 3 लेट करने के बाद हमको बी की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से बी की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो 9 मिलेगी, ठीक है, और सी की जो वैल्यूज़ मिलेगी क्या मिलेगी, एक ही वैल्यू 3 पुट करने पे 6 मिलेगी, ठीक है। तो अब ये वाली जो पॉलिनोमियल है, इट मीन्स यहाँ पे बी की वैल्यू 9x हो जाएगा, और यहाँ पे 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग यही है कि जितनी भी पॉलिनोमियल मिलेगी वो इस पॉलिनोमियल के क्या होगी, मल्टीपल होगी। सो इस तरीके से हम, अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, तो हम किस तरीके से पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके,